लोकसभा के नतीजों पे आधारित है। बहुजन समाज पार्टी को इस लोकसभा में वोट कितने वोट मिले? 1,31,00,000 से ज्यादा, 1,31,00,000 से ज्यादा, ये फिगर हमने आपके बीच में रखी है। अब हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, पूरी हर स्टेट में जाएंगे, वहां के जितने क्षेत्रीय दल हैं, जितने भी वहां पर अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर, हम उन सब का डाटा आज देखेंगे कि बसपा और बहन जी का उनके उनके मुकाबले में कद कहां खड़ा है। जम्मू कश्मीर में दो पार्टियां हैं, एक पीडीपी जिसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती जी हैं, दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके मुखिया उमर अब्दुल्ला जी हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जम्मू कश्मीर स्टेट में, उनको वोट मिली है सिर्फ 4,33,000, 4,33,000, और बसपा को कितनी मिल रही है पूरे देश में? 1,31,00,000। मतलब बसपा 1,27,00,000 वोट ज्यादा है। मतलब कितनी ज्यादा है? 31 गुना ज्यादा है पीडीपी से। और उमर अब्दुल्ला जी 11,47,000 वोट बढ़े हैं, 11,47,000। तो बहन जी का कद कितना बड़ा है उमर अब्दुल्ला से, बसपा का कद कितना बड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, 13 गुना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद दिल्ली और पंजाब में दो पार्टियां जो उनके नेता, आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके मुख्यमंत्री पंजाब में भगवंत मान जी, भाई बसपा कहां है? बसपा का तो कद ही नहीं है। तो कद तो भाई आपका हमसे आधा है अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी कितना कद है? 71,47,000। कौन कह रहा? 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा कह रहा। और बहन जी का कद आपसे दुगना है, बसपा का कद आपसे दुगना है। आप कह रहे हम राष्ट्रीय पार्टी, भाई हम भी राष्ट्रीय पार्टी, हम आपसे कितने बड़े? आपसे डबल है। आप तो हमारी कमर तक नहीं आ रहे यहां। तो सुखबीर बादल जी पंजाब में क्षेत्रीय दल है, 3-4 स्टेटों में अपने आदमी खड़े करते हैं, श्रोमणी अकाली दल, इनको वोट कितनी पड़ी? 18,14,000। और हमसे कितना छोटे हैं देश में राजनीतिक हैसियत में? कम से कम 7 गुना के करीब, 6.5 गुना। हरियाणा में दो पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल जिसको अभय चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी चलाते हैं, दूसरी इनके घर परिवार की पार्टी है जन नायक जनता पार्टी, जिसको दुष्यंत चौटाला जी, इनके भाई और भतीजा जी चलाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट पड़ी 2,26,00,000। जेएनजेपी डिप्टी सीएम रहे हरियाणा में, अभी लगातार 4.5 डिप्टी सीएम लगातार दुष्यंत चौटाला जी जेएनजेपी के, तो वोट पड़ी 1,13,000। राजस्थान में आ जाओ, हनुमान बेनीवाल जी वहां की एक लोकल पार्टी है, अभी लोकसभा में हम देखते हैं बड़ा बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, लेकिन वोट कितने हैं? 18,14,000। झारखंड में आइए, शिबू सोरेन जी बड़े नेता है, 5-6 महीने जेल काटी है, मोदी जी की हिक में बजे हैं, पूरा उनके सामने खड़े रहे हैं, तो बड़े नेता है। बहन जी ना, बहन जी नहीं है, बसपा नहीं, बसपा नहीं है। तो भाई बसपा इसके मुकाबले कहां? बसपा के मुकाबले में झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन और इनका बेटा जो था वो सोरेन ही है उनका भी, तो 24,92,000 वोट, मतलब सिर्फ 25,00,000। हमसे कितना कम है? 5 गुना कम है हमसे, हम इनसे 5 गुना ज्यादा है, उससे भी ज्यादा, 1,31,00,000 बसपा। और बिहार में पार्टियां हैं भाई, जनता दल जू, नीतीश कुमार, देश के बड़े नेता, केंद्र की सरकार इनके आश्रय चल रही, तो इनको वोट है 80,39,000। हमसे कितनी कम है? कम से कम 50,00,000 कम है। 50,00,000 कितनी होती है? पंजाब का चीफ मिनिस्टर 50,00,000 में बन जाता है। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी है जी बड़े नेता, बहन जी ना, तो बहन जी कहां दिखते हैं? भाजपा कहां? भाजपा तो दिखती नहीं। तो तेजस्वी यादव कितने हैं? 1,01,00,000। 25,00,000 हमसे कम है, और 25,00,000 में झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाता है। लोक
जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, उनका सुपुत्र चिराग पासवान, भाई चिराग पासवान जी ने देखो मैं केंद्र सरकार को आरक्षण के मुद्दे पे घेर लिया, तो बहन जी ने भी तो घेरा। मनुवादी मीडिया चिराग को दिखा रहा है तो बहन जी को नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि बहन जी इनको चुनौती देती है, चिराग इनके पांव में बैठा है तो पांव वाले को दिखाएंगे दलितों को, ये तुम्हारा नेता। वोट बसपा के मुकाबले सिर्फ 28,10,000 और बसपा की 1,31,00,000 और चिराग पासवान जैसे कितने निकलेंगे? 4। महाराष्ट्र में आ जाओ, लो जी बड़ी पार्टी तो उद्धव ठाकरे जी है, महाराष्ट्र बंद कर देते हैं शिवसेना, तो पार्टी को वोट कितने पड़े? 95,67,000। बसपा अब भी इनसे भी कम से कम 35-40 लाख वोट ज्यादा बड़ी पार्टी है ना जी। बड़ी तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है, शरद पवार जी वाली, बड़े नेता, देश के दिग्गज नेता। बहन जी दिग्गज ना, ना बहन जी दिग्गज कहां, शरद पवार दिग्गज। तो हमारी पार्टी से कितनी छोटी है? सिर्फ इनको 59,21,000 वोट पड़े हैं, 59,21,000 और बसपा को कितने पड़े? 1,31,00,000 और हमसे, हम इनके दुगने से भी 2.5 गुना बड़े हैं। तो बहन जी दिग्गज हुई तो कौन दिग्गज हुआ? इसी तरह से जदों साउथ वाले पासे जाके देखते हैं तो आंध्रा प्रदेश आ जाता है, उत्थे दो बड़ियां पार्टियां आ, TDP जिहड़ी उत्थे राज करदी आ, जिन्हां दे मुखिया चंद्रबाबू नायडू जी आ, बहुत बड़े नेता आ, बिल्कुल बड़े नेता आ, साउथ दे बड़े नेता, लेकिन वोट किन्नी? 1,27,00,000। उत्थे ही YSR कांग्रेस पार्टी जिहड़ी एक अलग बनी हुआ, जगन रेड्डी जी उन्हां दे पिता जी CM रहे आंध्रा प्रदेश दे, उन्हां दी पार्टी नूं वोट पई 1,33,00,000। और इसी तरह जनता दल S देवगौड़ा, उन्हों का बेटा कुमार स्वामी देवगौड़ा, वो सारे उन्होंने वोटा कि 21,00,000। गठजोड़ बन रहे, टुट रहे, दिग्गज नेता गिने जाते तो देवगौड़ा जी गिने जाते, BSP मायावती नहीं, वो नहीं, उनको नहीं सद्दा पत्र देंगे, उनको इनविटेशन नहीं देंगे, उनको नहीं बुलाएंगे। BSP का इदा लोगों के मन च भरता नहीं, BSP दिग्गज नहीं हैगी, भैन मायावती दिग्गज नहीं हैगी। लेकिन और इसी तरह तमिलनाडु DMK करुणानिधि, उन्हों का बेटा MK Stalin, उत्थे वड्डी पार्टी 1,17,00,000। बसपा तो घट है ना, बसपा तो घट है। AIDMK जयललिता वाली पार्टी सी 89,00,000, 99,52,000। तेलंगाना BHRS, भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारत राष्ट्रीय समिति, पहला TR सी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इन्हों का मुखिया चंद्रशेखर, जिन्होंने उत्थे वो स्टेट अलग बनाने का अंदोलन चलाया, और जेदे विच वो बहुजन समाज पार्टी दे उत्थों दे स्टेट प्रेजिडेंट पुराने सी IPS, जिन्होंने वलंटरी रिटायरमेंट ली सी, प्रवीण कुमार जी, वो किस पार्टी च गए? इस इन्हों की ताकत कितनी है? सिर्फ 36,57,000 सिर्फ। BSP नहीं नहीं तेलंगाना वाला बड़ा लीडर है, बहुत दिग्गज नेता। BSP भैन जी हाथी चोन निशान ना, कोई चर्चा नहीं। मनुवादी हाथी की वोट कितनी? 1,31,00,000। इसी तरह तेलंगाना च ओवैसी, ओवैसी दिग्गज नेता आया, ओवैसी मगर कैमरा 100 चल रहा, ते पार्टी AIMIM वोटा कितनी पई? सिर्फ 14,00,000। इसी तरह अड़ीसा बीजू जनता दल, नवीन पटनायक हुणी उन्हां दी हारी पार्टी, वोटा 94,00,000। नवीन पटनायक वड्डा नेता, BSP भैन मायावती कितने नजर नहीं आउंदे मीडिया दे विच। लाल झंडे वालियां पार्टियां लैफ्ट फ्रंट है जी, CPI कोल पूरे इंडिया दे विच सिर्फ 31,00,000 वोट है, CPM 1,13,00,000। CPI CPM दी तां गिणती है, CPI ML की भी गिनती है, भी नक्सलवादियों की पार्टी, नक्सलवादियों की चर्चा चल रही, वोटा कि नक्सलवादियों को? सिर्फ 17,36,000। और फिर मायावती बहुजन समाज पार्टी चोन शान हाथी, 2024 तो पहला देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी भैर कुमारी मायावती जी सी, 2019 के बहुजन समाज पार्टी को वोटा सी 2,24,00,000 लगभग।
2,24,00,000 वोटां नूं इग्नोर किया गया तां इंडिया गठबंधन बनिया। भैन मायावती किड्डी दिग्गज है, बहुजन समाज पार्टी किड्डी दिग्गज है। 2019 की कैलकुलेशन तां 2,24,00,000 है। अगली वीडियो च मैं बड़ी एक्सप्लेन ना क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। इसे तरह अज सिर्फ दो पार्टियां जिहड़ियां दो चेहरे आ वह BSP तो बड़े आ वोटां दे लिहाज नाल। उहदे च एक ऑल इंडिया जिहड़ी तृणमूल कांग्रेस है, ममता बैनर्जी जिन्हां दे हैड है CM है 2,82,00,000, और उत्तर प्रदेश दे विच समाजवादी पार्टी जिन्हां कोल 2,95,00,000 वोटां आ। अज भी देश दी फिफ्थ लार्जेस्ट फोर्स जिहड़ी आ देश दे विच उह भैण कुमारी मायावती जी आ, बहुजन समाज पार्टी आ, चोन निशान हाथी आ, देश की राष्ट्रीय पार्टी आ। फैसला देश के लोग करनगे। मनुवादी मीडिया इस ताकत नूं लुको के रखना चाहुंदा आ, असी इस ताकत लोगों के लैके जाना चाहते हैं। उम्मीद है इस जग दे विच तुसी भी हिस्सा पाओगे। ये जिहड़ा जिथों भी थोड़ा वीडियो आई आ इहनूं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तीन चीज़ां जे तुसी कर दिंदे हो तां उह चीज़ नूं बूस्ट उह मशीनां जिहड़ियां आ वख वख सोशल मीडिया दी उह करदियां आ। जे तुसी लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते उह चीज़ां नूं, चाहे फेसबुक की मशीन है, चाहे यूट्यूब की मशीन है, चाहे उन्हां दा सिस्टम है, उन्हां नूं उह रोक दिंदा आ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।